हेलो फ्रेंड्स, वॉल्यूम 5 की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डेफिनेशन देखेंगे वॉल्यूम 5 के। इसके पहले के वीडियो में हमने 23 तक डेफिनेशन कंप्लीट की थी, अब हम देखेंगे 24 डेफिनेशन जो कि लेबल्ड बंडल। तो दिया है यहाँ पर पहला पॉइंट, उसमें अ लेबल बंडल इज अ कलेक्शन ऑफ फेस्ट अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल सिक्योरली टाइड विद अ चेक स्लिप एट टॉप। तो लेबल बंडल ये कौन से आर्टिकल का रहेगा? अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का, और वो भी फेस्ट, यानी जिस तरफ एड्रेस लिखा है रिसीवर का, उस साइड से इनको लगाए हुए होंगे और इसको ऊपर एक चेक स्लिप टॉप पे लगाई हुई होंगी। इट इज ट्रीटेड इन सॉर्टिंग एज अ सिंगल आर्टिकल एंड इज ओपन बाय द ऑफिस और सेक्शन टू विच इट इज एड्रेस। तो सॉर्टिंग के वक्त इसको एक सिंगल आर्टिकल के ट्रीट करेंगे लेबल बंडल को, और इसके अलावा जिस ऑफिस के लिए या सेक्शन के लिए भेजा है उस ऑफिस में इसको ओपन किया जाएगा। लेबल बंडल्स आर ऑफ टू टाइप्स, टू क्लासेस, दो प्रकार के रहेंगे लेबल बंडल, एक तो स्टेशनल बंडल और दूसरा सॉर्टिंग बंडल। पहला दिया गया स्टेशन बंडल, कंटेन स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, और तो स्टेशन बंडल में रहेंगे स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। लेबल बंडल मतलब अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के बंडल, और स्टेशन बंडल मतलब स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के बंडल। एंड मे बी आइदर अ पेड आर्टिकल बंडल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली पेड आर्टिकल और एन अनपेड आर्टिकल बंडल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अनपेड आर्टिकल। तो ये स्टेशन बंडल भी दो प्रकार के रहेंगे, एक तो पेड आर्टिकल का एक बंडल रह सकता है जिसमें सारे फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल रहेंगे, या फिर एक अनपेड आर्टिकल का बंडल रह सकता है जिसमें कि सारे अनपेड आर्टिकल रहेंगे। स्टेशन बंडल दो प्रकार के, पेड आर्टिकल का बंडल स्टेशन बंडल और अनपेड आर्टिकल के स्टेशन बंडल। स्टेशन बंडल्स आर प्रीपेड ऑर्डिनरली व्हेन द नंबर ऑफ आर्टिकल आइदर पेड और अनपेड फॉर एनी ऑफिस एक्सिस्ट 14। तो अगर 14 से ज़्यादा आर्टिकल है किसी एक ऑफिस के लिए, पेड हो या अनपेड हो, तो उस टाइम स्टेशन बंडल प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ आर्टिकल कितने चाहिए, तो 14 से ज़्यादा, इसी को हम ऐसा कह सकते हैं, 15 या उससे ज़्यादा ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर 15 से कम नहीं होने चाहिए ऐसा भी कह सकते हैं। तो स्टेशन बंडल प्रिपेयर किए जाएंगे जब नंबर ऑफ आर्टिकल पेड या हो या अनपेड हो, दोनों 14 से ज़्यादा रहेंगे तो प्रिपेयर किए जाएंगे, मतलब 15 या उससे ज़्यादा होंगे तो प्रिपेयर किए जाएंगे, या 15 से कम नहीं होंगे तो प्रिपेयर किए जाएंगे। सॉर्टिंग बंडल कंटेन्स बोथ पेड एंड अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल विच आर नॉट इंक्लूडेड इन स्टेशन बंडल। तो ऐसे आर्टिकल जो स्टेशन बंडल में इंक्लूड नहीं किए गए हैं उनको सॉर्टिंग बंडल में इंक्लूड करेंगे। इसमें पेड आर्टिकल भी हो सकते हैं, अनपेड आर्टिकल भी हो सकते हैं। सॉर्टिंग बंडल, सॉर्टिंग बंडल्स में भी अप टू कॉइंस वाइज एक्सप्रेस बंडल्स एंड डेफर्ड बंडल। सॉर्टिंग बंडल भी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सप्रेस बंडल और दूसरा डेफर्ड बंडल। An express bundle containing article which required to be sorted immediately on received by the mail office or post office to which they are consigned, and a deferred bundle contains article which can be disposed of later. तो express मतलब तुरंत, यानी इसकी sorting जल्दी होनी चाहिए, जैसे ये post office को मिलता है या फिर mail office को मिलता है तो इसकी तुरंत sorting की जाएंगी, ऐसे bundle को कहेंगे express bundle। और बाकी के जो deferred bundle है वो ऐसे article रहेंगे जिसकी sorting या disposal बाद में किया तो भी चलेगा। एक्सप्रेस बंडल मतलब तुरंत सॉर्टिंग, और डिफॉल्ट बंडल मतलब बाद में सॉर्टिंग की तो भी चलेगा। व्हेन अ सॉर्टिंग बंडल इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्टेट, अ क्लियरली डिफाइंड ट्रैक ऑफ कंट्री और फॉरेन कंट्री इट इज टर्म्ड एज टेरिटोरियल बंडल। अगर कोई सॉर्टिंग बंडल है जो कि किसी स्टेट के लिए प्रिपेयर किया गया है या किसी कंट्री के लिए, फॉरेन कंट्री के लिए, तो उसे टेरिटोरियल बंडल कहा जाएगा। सॉर्टिंग बंडल अगर किसी फॉरेन कंट्री के लिए किया या फिर किसी स्टेट के लिए प्रिपेयर किया गया है तो उसे टेरिटोरियल बंडल कहेंगे। टेरिटोरियल बंडल्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर ऑफ आर्टिकल इज 25 एंड मोर। तो टेरिटोरियल बंडल कब प्रिपेयर किए जाएंगे? जब नंबर ऑफ आर्टिकल 25 या उससे ज़्यादा होंगे, यानी मोर देन 24 से ज़्यादा, मतलब 25 या उससे ज़्यादा, मतलब 25 से कम नहीं होने चाहिए। टेरिटोरियल बंडल्स कब प्रिपेयर किए जाएंगे? जब नंबर ऑफ आर्टिकल 25 या उससे ज़्यादा होंगे, मतलब 25 या उससे ज़्यादा, मतलब 24 से ज़्यादा, यानी 25 से कम नहीं होने चाहिए। टेरिटोरियल बंडल प्रिपेयर व्हेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर 25 एंड मोर। उसके बाद में लेबल बंडल्स आर नॉट ड्यू, लेबल बंडल जो है वो ड्यू बंडल नहीं रहेंगे, मतलब जब अवेलेबल होंगे आर्टिकल उतने तो ही से प्रिपेयर किए जाएंगे, जरूरी नहीं कि रोज प्रिपेयर किए जाए।
उसके बाद में प्री सॉर्टेड बंडल्स, दीज आर रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स एज वेल एज फ्रॉम पोस्ट ऑफिसेस। तो प्री सॉर्टेड बंडल जो कस्टमर है वो खुद ही सॉर्टिंग करके लाएंगे, या फिर उसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस है वो भी खुद ही सॉर्टिंग करके बंडल बनाएंगे, जिन्हें कहेंगे हम प्री सॉर्टेड बंडल्स। दिस शुड नॉट बी ओपन इफ दे आर स्टेशन बंडल्स एंड कैन बी ओपन एंड सॉर्टेड ओनली इफ दे आर सॉर्टिंग बंडल्स। तो अगर स्टेशन बंडल है तो इसे ओपन बीच में नहीं किया जाएगा, जिस ऑफिस के लिए उसी ऑफिस में जाएगा ये। अगर ये सॉर्टिंग बंडल है तो इसे ओपन किया जा सकता है। तो दो प्रकार के रहेंगे, प्री सॉर्टेड बंडल एक स्टेशन बंडल, ये दूसरा सॉर्टिंग बंडल। स्टेशन बंडल है तो इसे ओपन नहीं करेंगे, और सॉर्टिंग बंडल है तो इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में चेक स्लिप, 25 नंबर का ये डेफिनेशन है चेक स्लिप। अ चेक स्लिप इज अ लेबल टाइड टू द टॉप ऑफ द लेबल्ड बंडल। तो चेक स्लिप क्या रहेगा, ये लेबल बंडल के ऊपर में एक स्लिप लगाई रहती है, उसे चेक स्लिप कहेंगे। द फॉर्म इज प्रिंटेड ऑन पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग प्रकार के जो पेपर है उसके ऊपर ये प्रिंट किए जाएंगे। पिंक फॉर ऑर्डिनरी पेड एंड अनपेड बंडल्स, पिंक चेक स्लिप रहेंगी जो ऑर्डिनरी पेड और अनपेड बंडल के लिए यूज़ करते हैं। पिंक, व्हाइट और ऑर्डिनरी सॉर्टिंग बंडल्स, ऑर्डिनरी सॉर्टिंग बंडल के लिए व्हाइट, और ब्लू विद द वर्ड्स एयरमेल फॉर फॉरेन एयरमेल बंडल, और फॉरेन एयरमेल के लिए ब्लू जिसके ऊपर लिखा रहेगा एयरमेल। तो चेक स्लिप के प्रकार देख लेते हैं, पिंक पिंक का के लिए ऑर्डिनरी पेड एंड अनपेड बंडल्स, व्हाइट चेक स्लिप व्हाइट और ऑर्डिनरी सॉर्टिंग बंडल के लिए, और ब्लू विद द वर्ड एयरमेल फॉर फॉरेन एयरमेल। द व्हाइट चेक स्लिप इज यूज फॉर बोथ एक्सप्रेस एंड डिफर्ड बंडल, द स्लिप बींग मार्क ऑन द फेस विद टू डायगोनल लाइन्स इन ब्लू पेंसिल फॉर एक्सप्रेस बंडल। व्हाइट चेक स्लिप दोनों के लिए, एक्सप्रेस और डिफर्ड ये दोनों प्रकार के बंडल के लिए यूज करते हैं व्हाइट चेक स्लिप। द स्लिप बींग मार्क ऑन द फेस विद टू डायगोनल लाइन्स, तो इसके फेस पे दो डायगोनल लाइंस मारेंगे ब्लू ब्लू पेंसिल से एक्सप्रेस बंडल के लिए। एक्सप्रेस बंडल अगर है तो व्हाइट चेक स्लिप पे ऊपर दो डायगोनल लाइन ब्लू पेंसिल से लगाई जाएंगी। द स्लिपिंग मार्क ऑन द टॉप ऑन द फेस विथ टू डायगोनल लाइंस इन ग्रीन कलर फॉर लोकल आर्टिकल्स, अगर लोकल आर्टिकल के लिए स्लिप लगाते हैं तो दो डायगोनल लाइन लगेंगी ग्रीन कलर की पेंसिल से। द स्लिपिंग मार्क ऑन द फेस विथ टू डायगोनल लाइंस इन ग्रीन कलर, कलर की दो लाइन लगेंगी अगर लोकल आर्टिकल है। येलो स्ट्रिप इन कॉर्नर फॉर राजधानी एंड ब्लू स्ट्रिप इन कॉर्नर फॉर मेट्रो बंडल, अगर राजधानी बंडल रहा तो येलो स्ट्रिप लगेंगी कॉर्नर पे, और अगर मेट्रो बंडल रहा तो ब्लू स्ट्रिप लगेंगी इस स्लिप पे। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्लिप के बारे में बताया गया है। टू डायगोनल लाइन लगेंगी ग्रीन कलर की अगर लोकल आर्टिकल है तो, राजधानी रहा तो येलो स्ट्रिप लगेंगे कॉर्नर पे, और अगर मेट्रो बंडल रहे तो ब्लू स्ट्रिप लगेंगी कॉर्नर पे। नेक्स्ट, एवरी चेक स्लिप इज बियर्स द नेम एंड डेट स्टैम्प ऑफ द ऑफिस विच प्रिपेयर द बंडल, द नेम ऑफ द ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस एंड सिग्नेचर इन फुल ऑफ द ऑफिस बाय नोन बाय हुम इट इज मेड अप। तो चेक स्लिप के ऊपर क्या क्या रहेंगे ये दिया गया है, नाम रहेगा, डेट स्टैम्प रहेगा, ऑफिस जो ऑफिस बना रहा है वो बंडल प्रिपेयर कर रहा है उसका ऑफिस का नाम और डेट स्टैम्प रहेगा चेक स्लिप के ऊपर। द नेम ऑफ द ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस, कौन से ऑफिस के लिए वो बंडल भेजा जा रहा है उसका भी नाम और एड्रेस रहेगा, और सिग्नेचर रहेगा उस ऑफिसर का जिसने ये बंडल बनाया है। इन केस ऑफ टेरिटोरियल बंडल इट ऑल्सो शोज द नेम ऑफ द स्टेट टेरिटोरी एटसेट्रा टू विच द आर्टिकल इन बंडल आर एड्रेस एज वेल एज ऑफिस बाई विच इट इज टू बी ओपन्ड। दस अगर टेरिटोरियल बंडल है तो इसके ऊपर इस चेक स्लिप के ऊपर स्टेट का नाम टेरिटोरी का नाम भी दिया जाएगा जिसके लिए वो बंडल प्रिपेयर किया गया है, इसके अलावा कौन सा ऑफिस वो बंडल खोलेगा वो भी नाम दिया गया है, जैसे दिल्ली एयर सॉर्टिंग, इस तरह की चेक स्लिप लगाई जाएंगी अगर ये टेरिटोरियल बंडल है तो। चेक स्लिप्स आर डेजिग्नेटेड टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिससेंडिंग ऑफ एनी आर्टिकल रॉन्गली इंक्लूडेड इन लेबल्ड बंडल, अगर लेबल्ड बंडल के अंदर में कोई गलत से आर्टिकल भेजते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किसकी की जाए, इसका यूज चेक स्लिप से हो सकता है। चेक स्लिप्स आर डेजिग्नेटेड टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए चेक स्लिप का यूज होता है मिससेंडिंग आर्टिकल, अगर मिससेंड आर्टिकल रॉन्गली किसी लेबल्ड बंडल में इंक्लूड किया जाता है तो। उसके बाद है मनी ऑर्डर चेक स्लिप। अ चेक स्लिप एमओ 17 प्रिंटेड इन रेड लिंक ऑन व्हाइट और बादामी पेपर इज प्रिस्क्राइब फॉर यूज इन प्रिपेयरिंग मनी ऑर्डर्स बंडल फॉर डिस्पैच टू डेस्टिनेशन। अभी तो सब ईएमओ ही है इसलिए ये अभी नहीं होतेंगे। एमओ 17
कहते हैं इसे चेक स्लिप, प्रिंटेड इन रेड इंक, रेड इंक में प्रिंट की होती है, वाइट पेपर या बादामी पेपर के ऊपर। ये मनी ऑर्डर के बंडल प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। चेक स्लिप MO 70 प्रिंटेड इन रेड इंक ऑन वाइट और बादामी पेपर। द नंबर ऑफ मनी ऑर्डर इंक्लूडेड इन द बंडल इज रिक्वायर्ड टू नोटेड ऑन दिस चेक स्लिप। कितने मनी ऑर्डर है उस बंडल में उसका नोट करना पड़ेगा इस चेक स्लिप के ऊपर। मेल बैग के बारे में आगे देखते हैं। अ मेल बैग इज अ बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल। तो मेल बैग में अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों प्रकार के लेटर हो सकते हैं। और कौन से लेटर, पोस्ट कार्ड एंड बुक एंड पैकेट, पैटर्न पैकेट एंड ऑल्सो अनरजिस्टर्ड पार्सल, अनरजिस्टर्ड पार्सल भी होंगे उसमें। द रजिस्टर आर्टिकल बींग एनक्लोज इन अ रजिस्टर्ड बैग। तो रजिस्टर आर्टिकल जो है वो रजिस्टर्ड बैग में क्लोज किए जाएंगे। बट वेन अ रजिस्टर्ड पैकेट बैग इज प्रिस्क्राइब्ड, हेवी रजिस्टर्ड पैकेट्स आर डिस्पैच इन साइड द रजिस्टर्ड पैकेट बैग एंड नॉट इन साइड द मेल बैग। मतलब अगर बहुत सारे रजिस्टर पैकेट हैं जो कि बहुत बल्कि साइड के हैं लेकिन उसको रजिस्टर करके बुक किया है, तो उसकी अलग से बैग बांधेंगे, उसको मेल बैग के अंदर में नहीं डालेंगे क्योंकि उसका साइज ज़्यादा है। तो मेल बैग क्या ऐसी बैग रहेंगी जिसके अंदर रजिस्टर और अनरजिस्टर दोनों प्रकार के आर्टिकल रहेंगे, जिसमें लेटर आएंगे, पोस्ट कार्ड, बुक एंड पैकेट, पैटर्न पैकेट, इसके अलावा अनरजिस्टर पार्सल भी आएंगे उसमें। तो रजिस्टर आर्टिकल जो है उनको रजिस्टर बैग में क्लोज करेंगे। बट अगर रजिस्टर पैकेट बैग अगर रहती है तो हेवी रजिस्टर पैकेट आर डिस्पैच इन साइड द रजिस्टर पैकेट बैग, रजिस्टर पैकेट बैग के अंदर में हेवी रजिस्टर पैकेट को भेजा जाएंगे, उसको मेल बैग के अंदर नहीं भेजा जाएंगे। वेन पार्सल बैग आर नॉट प्रिस्क्राइब, मेल बैग में आल्सो कंटेन आर्टिकल ऑफ द पार्सल मेल। पार्सल बैग जिस ऑफिस के लिए प्रिस्क्राइब नहीं की गई है वहाँ पर मेल बैग के अंदर में पार्सल के आर्टिकल भी डाले जा सकते हैं। अ मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन अ ब्रांच ऑफिस एंड पोस्ट ऑफिस अदर देन इट्स अकाउंट ऑफिस, मेल ऑफिस और सेक्शन विथ विच इट इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन कंटेन ऑल फुल्ली प्रिपेयर आर्टिकल एक्सेप्ट BPI इंश्योर्ड आर्टिकल एंड दोज ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज टू बी रियलाइज। तो मेल बैग जो ब्रांच ऑफिस और पोस्ट ऑफिस के बीच में एक्सचेंज होती है उसमें सारे प्रकार के आर्टिकल होंगे। अ मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन अ ब्रांच ऑफिस एंड पोस्ट ऑफिस अदर देन इट्स अकाउंट ऑफिस, अकाउंट ऑफिस के अलावा अगर किसी दूसरे सब पोस्ट ऑफिस से और ब्रांच ऑफिस से मेल बैग एक्सचेंज होती है तो उसमें सारे प्रकार के आर्टिकल होंगे। सिर्फ उसमें कौन से आर्टिकल नहीं होंगे, VPI आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल और जिसके ऊपर पोस्टेज जो है, कस्टम ड्यूटी है, वो ऐसे आर्टिकल सिर्फ अकाउंट ऑफिस से ही एक्सचेंज होंगे। देर आर थ्री काइंड ऑफ मेल बैग, तीन प्रकार के मेल बैग रहेंगे, स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग एंड कंबाइंड मेल बैग। मेल बैग और ड्यू बैग्स, तीन प्रकार के मेल बैग, स्टेशन, सॉर्टिंग और कंबाइंड मेल बैग। इसमें मेल बैग आर ड्यू बैग, मेल बैग जो है वो ड्यू बैग रहेंगे। दूसरे कहा गया है मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन द कैश ऑफिस एंड सब ऑफिस विच इट फाइनेंसेस विल आल्सो कंटेन इनसाइड द रजिस्टर्ड बैग कैश बैग। तो मेल बैग जो एक्सचेंज होती है कैश ऑफिस और सब ऑफिस के बीच में, मतलब मान लो हेड ऑफिस अगर मेल बैग भेज रहा है सब ऑफिस को, तो कैश ऑफिस हो गया उसका हेड ऑफिस और सब ऑफिस, इन दोनों के बीच में अगर मेल बैग एक्सचेंज होती है तो ऐसे केस में मेल बैग के अंदर रजिस्टर बैग होंगे और रजिस्टर बैग के अंदर कैश बैग भी हो सकती है। अगर मेल बैग एक्सचेंज होंगी सब ऑफिस और उसके कैश ऑफिस जो कि हेड ऑफिस हो सकता है या दूसरा सब ऑफिस भी हो सकता है, तो ऐसे केस में मेल बैग जब एक्सचेंज होंगी तो उस मेल बैग के अंदर में जो रजिस्टर बैग होंगी उस रजिस्टर बैग में कैश बैग भी होंगी जो फाइनेंस कर रही है। दीज मेल बैग्स आर डिनोटेड इन द ड्यू मेल लिस्ट ऑन द ऑफ द कैश ऑफिस, कैश ऑफिस जो है यानी जो कैश भेज रहा है उसकी ड्यू मेल लिस्ट में ऐसे मेल बैग को डिनोट किया जाएगा। ऑफ द सब ऑफिस एंड ऑफ द ऑफिस थ्रू विच दे ट्रांजिट बाय डिस्टिंग्विशिंग सिंबल एफ। इसमें जो सिंबल यूज किया जाएगा वो सिंबल रहेगा एफ, एफ मतलब फाइनेंस, कैश, कैश ऑफिस से जो बैग एक्सचेंज हो रही मेल बैग वो ड्यू मेल लिस्ट में एफ इस सिंबल से डिनोट किए जाएंगे। कौन से ऑफिस के, सब ऑफिस और जिस ऑफिस के थ्रू वो ट्रांजिट में जा रही है उस सब ऑफिस में भी ये एफ के तौर पे डिनोट किया जाएगा, ऐसा सिंबल लगाया जाएगा इसमें एफ का, क्योंकि ये फाइनेंस कर रही है ना, कैश बैग इसमें अंदर है। इन एनी केस इन विच द हेड ऑफ द सर्कल ऑफ द और द हेड ऑफ द सर्कल्स कंसर्न कंसिडर इट एडवांटेजियस दैट द रजिस्टर बैग शुड नॉट बी सेंट इन साइड द मेल बैग, द रजिस्टर बैग मे बी फॉरवर्डेड आउटसाइड। तो ऐसे ऑफिस जहाँ पर हेड ऑफ द सर्कल ने ऐसा डिसाइड किया है कि रजिस्टर बैग अलग से भेजी जाएंगी, तो ऐसे केस में मेल बैग के अंदर रजिस्टर बैग नहीं भेजी जाएंगी, जैसे बड़े सब ऑफिस में जहाँ पे रजिस्टर बैग अलग क्लोज होती है।
All bags including those in the nature of L bag should invariably be sealed. तो सारी जो बैग है जिसमें L बैग के प्रकार की जो बैग है उस सब को सील किया जाना चाहिए. द अरेंजमेंट विल बी क्लियरली इंडिकेटेड इन द ड्यू मेल एंड रूटीन लिस्ट. तो ये जिस प्रकार के अरेंजमेंट रहेंगे, किस तरह से बैग के रूट रहेंगे, वो सब ड्यू मेल और रूटिंग लिस्ट में दिया जाएगा कि अरेंजमेंट किस तरह से क्रिए है. उसके बाद में 26 है एयरमेल बैग. जैसा कि इस बैग का नाम ही है एयरमेल बैग, इसमें सारी मेल्स जो है वो बाय एयर जाएंगे. अब मेल बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल टू बी कैरिड बाय एनी एयर सर्विस अंडर द ऑल अप स्कीम इज कॉल्ड एयरमेल बैग. तो ऐसे बैग जिसमें सारे रजिस्टर हो या अनरजिस्टर्ड आर्टिकल एयर से जाएंगे, तो इस बैग को जिस बैग में से जा रहे हैं उस बैग को कहेंगे एयरमेल बैग. स्कीम रहेंगी ऑल अप स्कीम. द बैग शुड नॉट कंटेन आर्टिकल नॉट इंटेंडेड टू बी कैरिड बाय एयर. तो ऐसे आर्टिकल जो एयर से नहीं भेजने चाहिए वो वाले आर्टिकल इसमें नहीं होंगे. अब्लू डुसुटी बैग शुड ऑर्डिनरीली यूज फॉर क्लोजिंग एन एयरमेल बैग. तो एयरमेल बैग क्लोज करने के लिए नीले कलर की डुसुटी बैग होंगी. नोट वन, इफ ऑन एनी ओकेजन देर इज नो आर्टिकल फॉर डिस्पैच इन पर्टिकुलर एयरमेल बैग, अ बैग विथ नील कंटेंट नीड नॉट बी क्लोज, बट अ सुटेबल एंट्री शुड बी मेड इन द डिलीवरी बिल दैट नो बैग हैज बीन क्लोज एज देयर वॉज नो कंटेंट. अगर किसी केस में मान लो कोई आर्टिकल नहीं है जो एयर से भेजा जाएगा, तो नील एयर बैग नील करके कोई एयर बैग नहीं भेजेंगे, बल्कि एक सूटेबल एंट्री करेंगे डिलीवरी बिल पे कि कोई एयर बैग एयरमेल बैग क्लोज नहीं की गई है क्योंकि उसमें कोई भी कंटेंट नहीं था. इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल टू बी डिस्पैच इज लेस देन 50 एंड देयर इज ऑल्सो नो इंश्योर्ड आर्टिकल और एयर पार्सल फॉर डिस्पैच इन एन एयरमेल बैग एंड एयरमेल कवर ऑफ सूटेबल साइज शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ बैग. अगर 50 से कम आर्टिकल है जो एयर से भेजे जाने हैं और इंश्योर्ड आर्टिकल भी नहीं है कोई या फिर एयर पार्सल भी नहीं है कोई, तो ऐसे केस में एक एयरमेल कवर यूज़ करेंगे सूटेबल साइज़ का. नंबर ऑफ आर्टिकल 50 से कम है तो मतलब 50 या उससे ज़्यादा अगर आर्टिकल रहे तो एयरमेल बैग क्लोज करनी है, और 50 या उससे कम रहेंगे तो एयरमेल बैग की जगह पर हम क्लोज करेंगे एयरमेल कवर. नोट टू, व्हेन एन एयर पार्सल इज सेंट इनसाइड एन एयरमेल बैग द लेवल ऑफ द बैग शुड बी बियर द सुपरस्क्रिप्शन CAP टू इंडिकेट दैट इट कंटेन्स एयर पार्सल. तो मान लो अगर किसी एयरमेल बैग में एयर पार्सल है तो ऐसे केस में उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए CAP, जिसका फुल फॉर्म रहेगा कंटेन एयर पार्सल. CAP का फुल फॉर्म कंटेन एयर पार्सल. एक क्वेश्चन आता है अगर किसी एयरमेल बैग में एयर पार्सल है तो लेबल के ऊपर CAP लिखा जाना चाहिए कंटेन एयर पार्सल. नोट थ्री, रजिस्टर आर्टिकल शुड नॉट बी एनक्लोज इन अ बैग अनलेस देयर नंबर एक्सीड 25 और दे आर बल्की और देयर आर इंश्योर्ड आर्टिकल फॉर डिस्पैच. रजिस्टर आर्टिकल एयरमेल बैग में जब तक नहीं जाएंगे जब तक उसकी संख्या 25 से ज़्यादा नहीं है. रजिस्टर आर्टिकल शुड नॉट बी एनक्लोज इन अ बैग, जब तक 25 से ज़्यादा रजिस्टर आर्टिकल नहीं है, या फिर अगर वो बल्कि साइज के हेवी साइज के नहीं है तो, या फिर उसके अंदर में कोई इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं है तो. ऐसे केस में 25 से ज़्यादा अगर आर्टिकल रहते हैं या फिर हेवी आर्टिकल रहते हैं या इंश्योर्ड आर्टिकल रहते हैं, तो ऐसे केस में रजिस्टर आर्टिकल बैग में क्लोज किए जाएंगे, और अगर नहीं रहते हैं तो रजिस्टर आर्टिकल उस बैग में क्लोज नहीं करेंगे. बट दे शुड बी बंडल्ड एंड टाइड अप क्रॉस वाइज अलॉन्ग विद द रजिस्टर्ड लिस्ट. तो उसका ऐसे केस में बंडल बना जाएगा और उसे रजिस्टर लिस्ट में क्रॉस वाइज बांधा जाएगा विद अ सूटेबल चेक स्लिप प्रोमिनेंटली मार्क रजिस्टर्ड, और उसके ऊपर एक चेक स्लिप लगाएंगे रजिस्टर्ड इस नाम से. एंड अ बंडल शुड बी सील्ड, बंडल को सील करेंगे विद द रजिस्टर्ड सील, रजिस्टर सील के साथ ऑन द नॉट जो गार्ड बांधी है उसके ऊपर वी शुड कम ऑन द चेक स्लिप, जो चेक स्लिप के ऊपर भी आनी चाहिए. तो 25 से ज़्यादा अगर आर्टिकल है तो ही रजिस्टर बैग क्लोज करेंगे एयरमेल की, या फिर उसके कम है तो एक बंडल बांधेंगे रजिस्टर लिस्ट से, उसके ऊपर रिमार्क मारेंगे रजिस्टर करके चेक स्लिप के ऊपर सील करेंगे हम, और फिर उसको क्लोज करेंगे. दिस बंडल इज टू बी टाइड लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज टू इंश्योर डैट नो आर्टिकल गेट्स लूज एंड मिक्सड अप विद अनरजिस्टर्ड आर्टिकल. तो ऐसा जो रजिस्टर बंडल है उसको हम अच्छे से बांधेंगे लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज, जिससे कि वो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ मिक्स ना हो. ये एयरमेल आर्टिकल की बात चल रही है यहाँ पे. दिस बंडल में देन बी प्लेस्ड इन द एयरमेल कवर ऑफ द बैग. तो ये जो बंडल है ये एयरमेल कवर में बाद में डाल दिया जाएगा. व्हेनेवर रजिस्टर बैग्स आर यूज्ड इन क्लोजिंग रजिस्टर आर्टिकल
फॉर डिस्पैच इन साइड एयर मेल बैग नॉर्मल रूल्स फॉर क्लोजिंग रजिस्टर बैग शुड बी फॉलोड. जब कभी रजिस्टर बैग का यूज किया जाएगा रजिस्टर आर्टिकल क्लोज करने के लिए जो कि डिस्पैच होंगे एयर मेल बैग के अंदर, यानी रजिस्टर बैग एयर मेल बैग के अंदर रहेंगी, तो नॉर्मल जो रूल्स रहेंगे रजिस्टर बैग क्लोज करने के, वही रूल फॉलो किए जाएंगे. व्हेनेवर अ बैग इज यूज फॉर इनक्लोजिंग रजिस्टर आर्टिकल नॉट एक्सीडिंग 25 ड्यू टू देयर बल्क एंड अनयूजुअल साइज अ रिमार्क शुड इनवेरेबली बी पास्ड ऑन द रजिस्टर लिस्ट टू दैट इफेक्ट. तो मान लो अगर 25 से कम आर्टिकल है, 25 से ज़्यादा आर्टिकल नहीं है तो ऐसे के, लेकिन वो आर्टिकल बल्कि है यानी हेवी आर्टिकल है, तो ऐसे केस में भी एक रजिस्टर बैग क्लोज किए जाएंगे. तो ऐसे केस में अगर बल्कि आर्टिकल है तो 25 आर्टिकल ना होते भी एक बैग क्लोज कर रहे, ऐसा एक रिमार्क वहाँ पर दिया जाए रजिस्टर लिस्ट पे. द वेट ऑफ एन एयरमेल बैग और एयर टी बी शुड नॉट एक्सीड 30 kg. तो एयरमेल बैग का वजन 30 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर एयर टी बी का भी वेट 30 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 27 रजिस्टर बंडल. रजिस्टर बंडल इज अ कलेक्शन ऑफ फेस्ट अन इंश्योर्ड रजिस्टर आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल प्लेस टुगेदर विद अ रजिस्टर लिस्ट इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ एनवलप केयरफुली गम्ड एंड सील्ड और इफ नेसेसरी इन अ दोसूती बैग टाइट एंड सील्ड इन द ऑर्डिनरी वे विद द लेबल शोविंग डिस्टिंक्टली दैट इट इज अ रजिस्टर बंडल एंड नॉट अ रजिस्टर बैग. तो रजिस्टर बंडल ये अन इंश्योर्ड आर्टिकल के फेस्ट आर्टिकल के यानी एड्रेस का साइड सामने होगा, ऐसे आर्टिकल का एक बंडल रहेगा जो कि लेटर मेल का एक बंडल होगा, और उसके साथ में एक रजिस्टर्ड लिस्ट होंगी जो प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ एनवलप के एक फॉर्म में रहेगा. फिर से देखते हैं, रजिस्टर बंडल इज अ कलेक्शन ऑफ फेस्ट अनइंश्योर्ड रजिस्टर आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल. तो रजिस्टर बंडल रजिस्टर आर्टिकल का बंडल रहेगा जो कि अनइंश्योर्ड रहेंगे और फेस्ट रहेंगे, उनका कलेक्शन रहेगा रजिस्टर बंडल. और ये सब एक रजिस्टर लिस्ट के साथ में, इसके साथ में एक रजिस्टर लिस्ट भी होंगे और एक एनवलप में ये डाले जाएगा बंडल, उसको केयरफुली गम किया जाएगा यानी चिपकाया जाएगा और सील भी किया जाएगा, या फिर अगर जरूरी पड़ी तो एक दोसूती बैग में भी बांधा जाएगा और इसको ऑर्डिनरी वे से ही सील किया जाएगा और उसके ऊपर एक लेबल लगाया जाएगा अलग से कि वो रजिस्टर्ड बंडल है ना कि रजिस्टर्ड बैग है. तो एक एनवलप में सील करके ये भेज दिए जाएंगे, या अगर बैग होंगी तो बैग में भी सील करके भेज जाएंगे ऑर्डिनरी वे से, लेकिन उसके ऊपर लिखा जाएगा कि ये रजिस्टर बंडल है अगर ज़्यादा आर्टिकल रहे या ऐसा कुछ रहा तो, रजिस्टर बैग नहीं है. रजिस्टर बंडल आर नॉट ड्यू, ये ड्यू बंडल नहीं है, रजिस्टर बंडल ड्यू बंडल नहीं है, बट आर मेड अप ऑर्डिनरीली व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर आर्टिकल टू बी एनक्लोज एक्सीड टू. दो से ज़्यादा अगर आर्टिकल रजिस्टर आर्टिकल है किसी एक जगह के लिए तो ये रजिस्टर बंडल बांध कर सकते हैं. दे आर ट्रीटेड इन सॉर्टिंग एज सिंगल रजिस्टर आर्टिकल. सॉर्टिंग में ये सिंगल रजिस्टर आर्टिकल करके ट्रीट किए जा सकते हैं. रजिस्टर बंडल जो है वो ड्यू बंडल नहीं रहेंगे, ये ऑर्डिनरी तब प्रिपेयर किए जाएंगे जब नंबर ऑफ आर्टिकल दो से ज़्यादा है, या फिर तीन या उससे ज़्यादा अगर आर्टिकल रहे तो प्रिपेयर कर सकते, मतलब दो से ज़्यादा रहे तो प्रिपेयर कर सकते, या ऐसा भी कह सकते हम कि तीन से कम रहे तो भी प्रिपेयर कर सकते. तो इस तरह कैसे भी पूछ सकते हैं. रजिस्टर बंडल कब प्रिपेयर किए जाएंगे, जब नंबर ऑफ आर्टिकल दो से ज़्यादा है. रजिस्टर बंडल फ्रॉम कस्टमर्स. कस्टमर से जो बंडल आते हैं उसके बारे में देखते हैं. द कस्टमर्स बुकिंग देयर आर्टिकल इन अ बल्क प्रिपेयर स्टेशन एंड टीवी बंडल्स इन द सेम मैनर एज डिस्कस्ड अबाउट एंड प्रेजेंटेड एट द सॉर्टिंग ऑफिस. तो जो कस्टमर बहुत सारे आर्टिकल बुक करते हैं वो स्टेशन और टीवी बंडल्स प्रिपेयर करेंगे जैसे कि अभी बताया था, उस तरह से वो सॉर्टिंग ऑफिस में लाएंगे. उसके बाद में रजिस्टर बैग देखते हैं. रजिस्टर बैग कंटेन कैश बैग ऑर्डिनरी एंड वीपी रजिस्टर आर्टिकल रजिस्टर लेटर्स एंड पैकेट्स इंश्योर्ड एनवलप रजिस्टर बंडल इंश्योर्ड बंडल्स ऑर्डिनरी एंड वीपी मनी ऑर्डर बंडल्स टाइड विद अ चेक स्लिप एंड रजिस्टर लिस्ट. तो रजिस्टर बैग में क्या क्या रहेगा, तो उसमें कैश बैग रह सकती है, ऑर्डिनरी और वीपी रजिस्टर लेटर भी रह सकते हैं, पैकेट रह सकते हैं, इंश्योर्ड एनवलप रह सकते हैं, रजिस्टर बंडल रह सकते हैं, इंश्योर्ड बंडल रह सकते हैं, ऑर्डिनरी और वीपी मनी ऑर्डर रह सकते हैं, बंडल रह सकते हैं मनी ऑर्डर के, और बंडल के ऊपर एक चेक स्लिप भी लगाई रहेंगी. इसके अलावा उसमें रजिस्टर लिस्ट भी रहेंगे. द रजिस्टर बैग इनसाइड अ मेल बैग इंडिकेटेड बाय सिंबल पी इन द डीएम लिस्ट विल आल्सो कंटेन द कैश बैग. तो रजिस्टर बैग है उसके अंदर में मेल बैग है, एक मेल बैग है उसके अंदर में एक रजिस्टर बैग रखी है जिसके ऊपर सिंबल पी लिखा है ड्यू मेल लिस्ट पे, तो इसमें ऐसे केस में कैश बैग भी हो सकती है. रजिस्टर बैग इज अ ड्यू बैग एंड मस्ट बी प्रिपेयर टुगेदर विद द रजिस्टर लिस्ट.
रजिस्टर बैग ड्यू बैग है और इसको रजिस्टर लिस्ट के साथ में ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, वेदर देयर इज कैश बैग और रजिस्टर आर्टिकल फॉर डिस्पैच और नॉट, रजिस्टर आर्टिकल हो या ना हो लेकिन रजिस्टर बैग प्रिपेयर करनी है। द रजिस्टर लिस्ट सेंट इन अ रजिस्टर बैग विच आर प्रिस्क्राइब टू कंटेन अ कैश बैग मस्ट इनवेरेबली बियर इन एडिशन टू द रजिस्ट्रेशन डेट स्टैम्प इम्प्रेशन द इम्प्रेशन ऑफ द ट्रेजरी डेट स्टैम्प ऑफ द ऑफिस ऑफ क्लोजिंग द बैग और इन ऑफिस वेयर देयर इज नो ट्रेजरी डेट स्टैम्प द राउंड मनी ऑर्डर स्टैम्प ऑफ द सब पोस्टमास्टर। तो रजिस्टर बैग है उसके अंदर में हमने रजिस्टर लिस्ट डाली है और मान लीजिए उसके अंदर में कैश बैग भी है, तो ऐसे केस में वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन डेट स्टैम्प के अलावा एक और डेट स्टैम्प रहेगा जो ट्रेजरी के पास रहेगा, उसको भी इम्प्रेस करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो रजिस्टर बैग है उसके अंदर में रजिस्टर लिस्ट है, रजिस्टर बैग के अंदर में रजिस्टर लिस्ट रहेंगी जिसमें कौन कौन से आर्टिकल है उसकी डिटेल रहेंगी, लेकिन अगर उसके अंदर में हमने कैश बैग भी डाल दी तो ऐसे केस में एक ट्रेजरी का जो स्टैम्प है उसको वहाँ पर मारना पड़ेगा, और अगर जिस ऑफिस में अलग से ट्रेजरी का स्टैम्प नहीं है तो वहाँ पर राउंड मनी ऑर्डर स्टैम्प वहाँ पर पोस्ट मास्टर का जो रहेगा वो इम्प्रेस करेंगे। उसके बाद में देखते हैं स्पीड पोस्ट बैग 28A नंबर का, ये दिस बैग कंटेन स्पीड पोस्ट आर्टिकल एंड स्पीड पोस्ट लिस्ट। तो सिंपल है, स्पीड पोस्ट बैग है तो स्पीड पोस्ट आर्टिकल होंगे और स्पीड पोस्ट आर्टिकल के साथ में स्पीड पोस्ट की लिस्ट होगी। इन द स्पीड पोस्ट लिस्ट द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड ऑफिस ऑफ बुकिंग इज इनवेरिएबली रिटर्न एंड टोटल्स आर स्ट्रक एट द बॉटम। तो कितने स्पीड पोस्ट के आर्टिकल भेजे वो लिखा होगा स्पीड पोस्ट बैग के अंदर में जो स्पीड पोस्ट की लिस्ट है उसके ऊपर, इसके अलावा बुकिंग ऑफिस कौन सा है वो भी लिखना चाहिए, इसके अलावा टोटल आर्टिकल कितने हैं वो भी लिखेंगे बॉटम में। उसके बाद में इंश्योर्ड बंडल, इंश्योर्ड बंडल देख लेते हैं। एन इंश्योर बंडल इज कलेक्शन ऑफ इंश्योर्ड लेटर इनक्लोज टुगेदर विद अ रजिस्टर्ड लिस्ट इन एन इंश्योर्ड एनवेलप और इफ नेसेसरी इन अ दो सूची बैग प्रॉपरली क्लोज एंड सील्ड शोविंग डिस्टिंक्टली ऑन द एनवेलप और द लेबल ऑफ द बैग दैट इट इज एन इंश्योर्ड बंडल। इंश्योर्ड बंडल क्या रहेंगे, तो ये कलेक्शन ऑफ इंश्योर्ड लेटर रहेंगे, इंश्योर्ड लेटर का कलेक्शन यानी दो इंश्योर्ड लेटर अगर रहते हैं तो उसका कलेक्शन मतलब इंश्योर्ड बंडल। तो इसके साथ में क्या रहेंगे, एक रजिस्टर्ड लिस्ट रहेंगी, एक इंश्योर्ड एनवेलप में कवर पैक किए जाएंगे और अगर ज़रूरी पड़ी तो एक 200 बैग में भी इसको क्लोज कर सकते हैं और सील कर सकते हैं और उसके ऊपर स्पेशली लिखा जाएगा वैसा कि ये इंश्योर्ड बंडल है, इंश्योर्ड बैग नहीं है। इंश्योर्ड बंडल आर नॉट ड्यू, ये भी ड्यू नहीं है, बट आर मेड अप ऑर्डिनरी व्हेन द नंबर ऑफ इंश्योर्ड लेटर ऑफ फॉर डिस्पैच टू एन पोस्ट ऑफिस मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा मतलब दो या उससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा मतलब दो या उससे ज़्यादा मतलब दो से कम नहीं। इंश्योर्ड बंडल ड्यू बंडल नहीं है लेकिन ये कब प्रिपेयर किए जाएंगे, जब किसी ऑफिस के लिए इंश्योर्ड आर्टिकल एक से ज़्यादा है तो मतलब दो या उससे ज़्यादा अगर इंश्योर्ड आर्टिकल है तो भी हम इंश्योर्ड बंडल प्रिपेयर कर सकते हैं। दे आर ट्रीटेड इन सॉर्टिंग एज ए सिंगल इंश्योर्ड एनवेलप, ये सॉर्टिंग में सिंगल इंश्योर्ड एनवेलप करके ट्रीट करते हैं। वेन द नंबर ऑफ इंश्योर्ड लेटर एंड इंश्योर्ड बंडल्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू अ मेल ऑफिस इज यूजुअली मोर देन 10, अ सेपरेट इंश्योर्ड लेटर बैग एड्रेस टू दैट मेल ऑफिस मे बी प्रिस्क्राइब टू बी क्लोज्ड एज अ सेपरेट ड्यू बैग। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब इंश्योर्ड लेटर और इंश्योर्ड बंडल किसी मेल ऑफिस के थ्रू डिस्पोज ऑफ करना है और अगर ज़्यादा 10 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा अगर इंश्योर्ड लेटर या इंश्योर्ड बंडल है तो एक सेपरेट इंश्योर्ड लेटर बैग क्लोज करेंगे उस मेल ऑफिस के नाम से और उसे सेपरेट ड्यू बैग के तौर पर क्लोज करेंगे। अगर इंश्योर्ड आर्टिकल और इंश्योर्ड बंडल 10 से ज़्यादा है तो उस मेल ऑफिस के लिए हम सेपरेट इंश्योर्ड बैग क्लोज करेंगे। द इंश्योर्ड लेटर बैग शुड बी डिस्पैच्ड इनसाइड अ रजिस्टर बैग विथ सुटेबल रिमार्क इन द रजिस्टर लिस्ट। तो इंश्योर्ड लेटर बैग अलग से नहीं क्लोज करते, उसको रजिस्टर्ड बैग के अंदर में ही डाल के क्लोज करते हैं और उसके ऊपर रजिस्टर लिस्ट जो है उसमें रिमार्क मारते हैं ऐसा। पार्सल बैग के बारे में देखते हैं, ये 13 डेफिनेशन है। पार्सल बैग कंटेंस ऑर्डिनरी रजिस्टर पार्सल, वीपी पार्सल एंड इंश्योर्ड पार्सल। पार्सल बैग में क्या क्या होंगे, रजिस्टर पार्सल होंगे, वीपी पार्सल होंगे और इंश्योर्ड पार्सल होंगे। इट ऑल्सो कंसर्न्स अ पार्सल लिस्ट इन विच ऑल द रजिस्टर आर्टिकल्स ऑफ द पार्सल मेल आर एंटर्ड इन डिटेल। इसके साथ में एक पार्सल लिस्ट भी होंगी जिसमें सारे रजिस्टर आर्टिकल की, पार्सल के जो भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है रजिस्टर्ड पार्सल वो सारी डिटेल इसमें होंगी। पार्सल बैग आर नॉट ड्यू बैग, ये भी ड्यू बैग नहीं है। एंड व्हेन डिस्पैच दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल मेल। तो पार्सल बैग ड्यू बैग नहीं है, जब भी डिस्पैच करेंगे इसको अनयूजुअल मेल करके ट्रीट करेंगे। उसके बाद में इंश्योर्ड बैग, एन इंश्योर्ड बैग इज इंटेंडेड टू गिव कवर टू इंश्योर्ड पार्सल्स इंक्लूडिंग इंश्योर्ड वीपी पार्सल सो एज टू अफोर्ड देम ग्रेटर सिक्योरिटी। तो इसका यूज़ क्या है, इंश्योर्ड बैग का सिक्योरिटी देना किसको, इंश्योर्ड पार्सल, इंश्योर्ड वीपी, इस सबको।
तो ये डेफिनेशन हम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे की वीडियो में हम इसको पूरा कवर करेंगे, तब तक चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। हमारा चैनल का नाम है लेट्स एंजॉय द वर्ल्ड।